हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। सो इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम कवर करने वाले हैं अर्बन डेवलपमेंट। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। 2011 के सेंसस के हिसाब से बिहार में जो अर्बनाइजेशन लेवल था दैट वाज 11.3%। सो ये था 11.3%, जबकि इंडिया में अर्बनाइजेशन लेवल था 13.2%। ग्रोथ रेट की बात करें तो बिहार में जो अर्बनाइजेशन का ग्रोथ रेट है दैट इज़ 15.3%। 1961 टू 2011, इस ड्यूरेशन के दौरान जो इंडिया का एवरेज डिकेडल ग्रोथ रेट था अर्बनाइजेशन के मामले में दैट वाज 2.6%। उसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान बिहार का जो डिकेडल ग्रोथ रेट था दैट वाज 0.8%। 2011 के डेटा के हिसाब से इंडिया का 3.1% अर्बन पॉपुलेशन है वो बिहार में है। ये अर्बन पॉपुलेशन की बात है। 2001 से 2011 के बीच की अगर अर्बनाइजेशन की बात करें बिहार में तो इसका ग्रोथ था 0.8%। दैट मीन्स कितना इंक्रीज हुआ है। सो ये पहले कितना था, पहले था ये 10.5%, ये बाद में इंक्रीज होके हो गया है 11.3%। दैट मीन्स कितना चेंज आया, तो ये है 0.8 का चेंज आया। बिहार की 2011 के हिसाब से अर्बन पॉपुलेशन थी 117.6 लाख। जो अर्बनाइजेशन है वो हाईएस्ट था पटना डिस्ट्रिक्ट में 44.3%, लोएस्ट लेवल है अर्बनाइजेशन का समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में 3.5%, बांका में भी 3.5%। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि साउथ बिहार की जो डिस्ट्रिक्ट है दे आर मोर अर्बनाइज्ड एज कम्पेयर टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ बिहार। 2011 के सेंसस के हिसाब से टीयर वन सिटीज़ में टोटल अर्बन पॉपुलेशन की 57.5% पॉपुलेशन रहती है। दैट मीन्स टीयर वन सिटीज़ में मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन है। टीयर वन सिटी का मतलब क्या है, जिसमें 1 लाख या उससे ज़्यादा की पॉपुलेशन हो। सो टोटल 26 ऐसे शहर हैं जिनको इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। दैट मीन्स जिनमें 1 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, और ये 13 सिटीज़ हैं वो नॉर्थ बिहार में हैं, जबकि 13 हैं वो साउथ बिहार में। अगर अर्बन पॉपुलेशन के कंपोनेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस टाइप के शहर हैं, ये टीयर 3 टाइप के शहर हैं, टोटल 76 हैं। टीयर 1 टाइप के कितने हैं, 26। बिहार म्यूनसिपल एक्ट 2007 के हिसाब से स्टेट में 12 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं, 49 नगर परिषद हैं और 81 नगर पंचायत हैं। इसके अलावा एक रूरल एरिया, एक ग्रामीण एरिया को एक शहरी एरिया तभी डिक्लेयर किया जाता है जब एग्रीकल्चरल वर्कर्स का शेयर है वो 50% से कम हो। उस एरिया के जो टोटल वर्कर्स हैं उसमें एग्रीकल्चरल वर्कर्स का शेयर 50% से कम हो। पहले ये जो क्राइटेरिया था ये 75% हुआ करता था। दैट मीन्स 75% से कम हो। राज्य सरकार ने अर्बन डेवलपमेंट पे जो एक्सपेंस है उसको 68% से इंक्रीज़ किया है 2015-16 से 2019-20 के बीच में। इसके अलावा जो 7 निश्चय योजना है उसके 3 कंपोनेंट हैं वो शहरों से, दैट मीन्स सिटीज से जुड़े हैं। ये 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, हर घर नल का जल और हर घर पक्की गली एंड नालियाँ। इसके अलावा एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है स्मार्ट सिटीज़ मिशन, उसके तहत बिहार के पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर को सेलेक्ट किया गया है। इसके साथ साथ पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है उसको भी अप्रूव किया गया है, और इस प्रोजेक्ट की जो लेंथ है सेंक्शन लेंथ वो 32.49 किलोमीटर होने वाली है। ये 2 कॉरिडोर्स में होगा, एक है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो कि 17.93 किलोमीटर का होगा, और एक है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो कि 14.56 किलोमीटर का होगा। म्यूनसिपल बॉडीज़ की बात करें तो म्यूनसिपल बॉडीज़ का मेजर इनकम है वो ग्रांट के थ्रू आता है, रेवेन्यू ग्रांट के थ्रू। रफली 54.4% इनकम है म्यूनसिपल बॉडीज़ का वो ग्रांट के थ्रू आता है, और उनका सेल्फ अर्न्ड इनकम है वो सिर्फ 16.4% है। दैट मीन्स म्यूनसिपल बॉडीज़ के पास सफिशियंट इनकम जनरेट करने के रिसोर्सेज नहीं है। मैक्सिमम उनका काम ग्रांट के थ्रू चलता है, उनके पास खुद की जो इनकम है वो रफली 16.4% है।
जबकि अगर उनके एक्सपेंस की बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर है वो उनके एक्सपेंस का मेन कंपोनेंट है। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है उनका ऑफिस, उनका स्टाफ, दैट मीन्स उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जो एक्सपेंस है डे टू डे का, ये रफली 38.6% है टोटल एक्सपेंडिचर का। सो जितना ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर होगा, सीधी सी बात है, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज कम बचेंगे क्वालिटी सर्विस देने के लिए। सो ये थे अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स। थैंक यू।